आनंद रूपाय। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब हम कथा में आए हैं तो जिस भगवान का 7 दिन तक हम चिंतन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो कहते हैं उस भगवान के लक्षण को समझ लेना चाहिए पहले कि भगवान है क्या चीज, कौन सा कैसा भगवान है जिसका जिसकी हम गाथाएं सुनेंगे सुनाएंगे, जिसके भजनों का गायन करेंगे, जिसके उसके स्वरूप की विवेचना भागवत के प्रारंभ में ही कर दी गई है। भागवत के प्रारंभ में 6 अध्याय जो है वो भागवत के अपने नहीं बल्कि स्कंद पुराण के हैं, जिसमें महात्म्य बताया गया है, नियम परिनियम बताए गए कि नियम कैसे हैं भागवत के और भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे शांति मिलती है भागवत सुन करके, और तरीका क्या है भागवत करवाने का या करने का, ये सब कुछ हम पहले 6 अध्यायों में बताया गया है। तो उसी में कहते हैं कि भगवान का स्वरूप जो है वो सत चित और आनंद, जिसको हम संक्षेप में सच्चिदानंद कहते हैं, हमारे आश्रम भी है या सच्चिदानंद आश्रम है, तो सच्चिद आनंद का अर्थ ही भगवान है, क्योंकि भगवान के 3 प्रकार के ये स्वरूप बताए कि भगवान पहला स्वरूप है सत। अब सत क्या चीज है, सत को अगर मोटे तौर पे हम जान ले तो सत्य जो ट्रुथ है, एवरी टाइम ट्रुथ, जो कभी मिटता ही नहीं है, चाहे सृष्टि का प्रलय हो जाए, जल प्रलय हो जाए, धरती खत्म हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो सत्य एक परम सत्ता विद्यमान ही रहती है, हर समय हर युग में हर कल्प के बाद भी वो वर्तमान रहती है, वो है सत्य। बाकी सब चीजें जो हम देखते हैं, पेड़ पौधे, हम आप जीव जंतु, ये सत्य नहीं है। सत्य वो केवल परम सत्ता वही है जो सृष्टि का प्रलय हो जाने के बाद भी स्थित रहती है, और जब जरूरत पड़ती है दोबारा सृष्टि होने की तो उसी में से दोबारा बाहर सृष्टि उस सत्य में से फिर से आ जाती है। तो ये पहला स्वरूप तो भगवान का सत्य है। सत्य का मतलब कि सर्वोपरि, उससे बड़ा फिर है ही कोई नहीं, उससे पार आगे कुछ चीज नहीं है, सत से बढ़कर कोई है नहीं। दूसरा स्वरूप भगवान का बताया चित। चित का मतलब है प्रकाश, ज्ञान। देखिए संसार में ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, सारी चीजें सामने पड़ी है, लेकिन ज्ञान ना हो, उसका पता ना हो हमको, तो फिर वो बेअर्थ बिना अर्थ की चीजें हैं। तो ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और इसके बाद चित्त का अर्थ प्रकाश भी है कि संसार में जितना प्रकाश है ये सब भगवान के द्वारा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, शास्त्र कहता है कि उस भगवान के प्रकाश के द्वारा सारे दुनिया के प्रकाश चीजें प्रकाशित होती हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चांद है, चाहे तारे हैं, चाहे ये धरती है, ये उसके प्रकाश के बिना, यानी उस सत्ता परम सत्ता का जो प्रकाश है उसके बिना ये संभव नहीं है। और तीसरा स्वरूप भगवान का बताया आनंद। ये भगवान के पास दुख है ही नहीं, ये दुख जो मोल ले लेते हैं वो हम अपने कर्मों के अनुसार, अपने कामों के अनुसार, इस मोह के जंजाल के अनुसार कि ये मेरा मामा है, मेरा मामा मर गया तो दुख हो गया। वास्तव में भगवान के पास वो दुख नाम की चीज है ही नहीं, ये हमको जो असत सृष्टि है, माया जाल वाली सृष्टि है, यहाँ जब मोह ममता हो जाती है तो दुख की अनुभूति होती है, अन्यथा दुख है ही नहीं। तो भगवान के वो 3 स्वरूप बताए हैं, सत चित और आनंद, इनको जोड़ करके बन गया सच्चिदानंद। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और उसके बाद कहा 3 प्रकार के ये स्वरूप तो भगवान के देख लिए भाई, और लेकिन भगवान करता क्या है, काम क्या है भगवान का, तो भगवान के क्या कार्य बताए कि सृष्टि का सृजन करना और सृष्टि का संहार करना, प्रलय करना और सृष्टि का पालन करना, ये 3 काम है, यानी सृजन, पालन और संहार, ये भगवान के ही 3 कार्य है। और उसके बाद बताया कि फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम भगवान का भजन करें। देखो प्रश्न है ना कि क्यों जरूरत पड़ी है कि भगवान का भजन करें, तो बताया कि संसार में 3 ही प्रकार के दुख होते हैं, त्रिविध ताप निवारण हे विभो। कौन कौन से दुख है हम इंसानों को, पहला दुख तो ये शरीर को जो हो जाता है, आधी भौतिक दुख, कांटा चुभ गया दुख लगा, सर दर्द हो गई, परेशानी हुई,
चोट लग गई या और कोई परेशानी शरीर को हो जाए तो आधी भौतिक, ये भौतिक दुख जो हमको मिलने वाले होते हैं, अगल बगल की वजह से जो हमको दुख मिल जाते हैं, नंबर एक ये हो गया। और दूसरा है आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख, दुख है नहीं लेकिन लग रहा है मन को, दुख है, मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, तो चिंतन जो कर रहा है मन, आदमी मन में उल्टा, ये भी दुख का कारण है। क्योंकि जब हम बचपन में पैदा हुए थे तब धन मेरे पास था नहीं, तो उसके बाद धन जब आया फिर वो चला गया, जब जा रहा है वो तो दुख हो रहा है कि अच्छा अब आया अब नहीं है। जब आपको भगवान ने भेजा तो भी धन के बिना आपको भेजा है, तो धन नहीं था केवल, तब क्या भेजा आपके लिए, माँ के स्तनों में दूध था केवल आपके लिए, तब वो आपके लिए जरूरी था, धन की आवश्यकता तब नहीं थी। तो जब बचपन में ये चीज पैदा होते ही हमको मिली ही नहीं और अंत में भी हम इसको ले जा नहीं सकते साथ में, ये बीच का ही एक झमेला है जिसमें हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्यों चला गया, क्यों ऐसा हो गया, मैं गरीब मैं अमीर, ये छोटा ये बड़ा, बस इसी चिंतन में उधेड़ बुन में पूरी जिंदगी निकल गई, परेशानी में चिंता में, ये आध्यात्मिक दुख लग गया हमको। और एक हो गया आधी दैविक दुख जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तीसरा दुख के अचानक किसी के घर के ऊपर बिजली गिर गई, नुकसान हो गया, जो हमारी वजह से नहीं किसी दैविक प्रकोप के कारण हमारे ऊपर कष्ट आ गए, परेशानी आ गई, वो आधी दैविक दुख है। तो कहते हैं ये भागवत की कथा करवा करके, भागवत की कथा सुन करके मनुष्य इन तीनों ही प्रकार के दुखों से निवृत्ति पा सकता है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इन तीनों दुखों से निवृत्ति हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे उस परमात्मा के स्वरूप का हम 7 दिन तक व्याख्यान करेंगे। एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य तीर्थ का नाम आपने सुना है, आप में से बहुत से नैमिषारण्य तीर्थ में गए भी होंगे जी, कौन कौन गए हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, हाँ जी बहुत अच्छा। तो नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आजकल के हिसाब से जिला सीतापुर है, वहाँ सीतापुर जिला के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ है। और इसमें अरण्य शब्द जुड़ा हुआ है, अरण्य का मतलब जंगल, किसी जमाने में बिल्कुल बियाबान जंगल ही था और ये हमारे ऋषि मुनि जो होते थे ये जंगलों में ही बैठ के तपस्या करते थे। ये क्यों नहीं रहते थे आबादी में, क्योंकि आबादी में विघ्न हो जाता है, बाधाएं होती हैं, शोर होता है, तो ये एकांत में रहते थे जहां डिस्टरबेंस ना हुए। जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, अधिक से अधिक जितने ग्रंथ लिखे या ग्रंथों की कथाएं हुई वो सब नैमिषारण्य में हुई। सूत महाराज जी ने जितनी कथाएं सुनाई सब नैमिषारण्य की पीठ पर बैठ करके सुनाई है, क्योंकि सूत महाराज व्यास जी के अग्रज शिष्य हैं। व्यास महाराज ने कथा नहीं सुनाई है, व्यास महाराज ने जितने भी पुराण हैं उनको लिखा और कथा सुनाने के लिए अपने शिष्य को दिया आगे, सूत महाराज जी ने कथाएं सुनाई है। तो वहां पर ये सूत महाराज जी कथा सुना रहे थे, किसको सुना रहे थे, 88,000 ऋषि महात्माओं का वर्णन मिलता है जिनमें सौनक ऋषि जो था वो अग्रणी है, सौनक बैठा हुआ है आगे, बाकी उनके पीछे दुनिया और महात्मा बैठे हैं। और कथाएं चल रही थी, पुराणों की कथाएं चल रही थी, तो इन 88,000 ऋषियों से सौनक जी ने एक बार प्रश्न कर दिया कि महाराज एक शंका है कि कौन सा ऐसा व्रत तप नियम है, कौन सा ऐसे कोई कथा है जिसको सुन करके मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है, और अवस्था कथाओं सुनने के लिए भगवान का भजन करने के लिए जीवन का कौन सा भाग अच्छा है, कौन सा आश्रम जो है वो ठीक है। क्योंकि आश्रम इसलिए कहा, आश्रम कोई कुटिया वाला आश्रम नहीं, आश्रम हमारे आयु के 4 हिस्से आश्रम है, 4, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 25-25 साल तक इनका गणना है, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसमें विद्या इत्यादि पढ़नी होती है, 25 से 50 साल तक की आयु गृहस्थ भोगने के लिए होती है, और 50 से 75 साल तक की आयु जो है वो वानप्रस्थ कही गई है कि घर की इच्छा त्याग करके चाहे जंगल में रहो, चाहे ये सोचो कि मैं यही भी वन में ही हूँ, वन में रहो, और वन में नहीं रहना है तो वृंदावन में रहो भाई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, अगर वृंदावन में भी नहीं रहते हैं तो वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं उनको अपने मन में बताओ, ठीक है ना जी। अब उसके बाद आई
संन्यास वाली अवस्था 75 से 100 साल की उम्र अगर कोई जी जाए सौभाग्यशाली कोई होवे तो कहते हैं वो संन्यास ले ले, अब बिल्कुल किसी चीज की चिंता ना करे, संन्यास लेकर के सारी चीजों से विरक्ति तब उसको हो जाए। जिस आदमी को फिर विरक्ति हो गई उसको किसी चीज का दुख नहीं होता है, चाहे उसकी संपत्ति लुट जाए, चाहे उसका शरीर खत्म हो जाए, चाहे रिश्तेदार परेशान हो, दुखी हो, कुछ मर्जी हो, उसको कोई परेशानी नहीं, वो आत्मा राम हो जाता है। आत्मा राम का मतलब अपने अंदर ही खुश, अपने अंदर ही प्रसन्न, ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर भगवान के साथ ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान में विलीन हो जाता है। कहते इसमें भी अगर सही पूछा जाए कि कौन सा आश्रम ठीक है चारों आश्रम में, तो कहा गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल तक की आयु है उसमें तो बच्चे ने पढ़ना लिखना है, कई जिम्मेवारियां पूरी करनी है, नौकरी तक जाना है, और उसके बाद जब नौकरी मिल गई और गृहस्थ आश्रम में आ गया, शादी विवाह हो गए, बच्चे हो गए, तब पैसा भी साथ में है और उसके बाद शरीर साथ में है। सबसे बड़ी बात तो शरीर साथ की है कि आपके शरीर का साथ होना चाहिए। देखो दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है किसी का, नहीं कोई सगा रिश्तेदार साथ में लास्ट तक नहीं रहता है। एक ऐसा रिश्तेदार आपका है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है और वो आपका शरीर है। माता पिता भी कुछ दिनों के लिए होते हैं, चले जाते हैं, बच्चे मामा चाचा ताया ये भी थोड़ी देर के लिए मिलते जुलते हैं, लेकिन आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है, परेशान हो रहे हैं आप शरीर की वजह से, तो आपके घर वाले भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वास्थ्यम खलु सर्वधर्म साधनम, ये स्वास्थ्य ये शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तो हम कोई धर्म कर्म का कार्य भी नहीं कर सकते। और 25 से 50 साल की आयु तक मनुष्य का स्वास्थ्य लगभग 99% बिल्कुल ठीक रहता है, स्वस्थ होता है आदमी, बड़ी जरूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटलाइज होने की उसको इन दिनों में। तो कहते हैं तब उन दिनों में मनुष्य को अगर भगवत भक्ति से जुड़ना है या जो जो अपने जीवन के लिए कार्य करने, चाहे धन जुटाने का कार्य, कमाने का कार्य, चाहे गृहस्थ चलाने का कार्य, चाहे भगवान का भजन का धन संचित करने का कार्य, ये अगर इस गृहस्थ आश्रम में हो जाए तो सबसे उत्तम होता है। बाद में 50 से 75 साल की आयु में शरीर को रोग लगना शुरू हो जाते हैं, घुटने काम करना जरा कम कर देते हैं, फिर कथाओं में बैठना, तीर्थों में जाना, भ्रमण करना, ये जरा मुश्किल सा लगता है। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम होता है, पैसा भी साथ में है और सब कुछ आपके पास है, शरीर भी आपका साथ है, धीरे धीरे 50 से 75 की आयु में आपके पास पैसा होता है लेकिन आपके पास शरीर नहीं होता, तब शरीर ढीला पड़ता जाता है। और तब आप 60 के हो गए, बच्चे आपके 35 के हो गए, 40 के हो गए, धीरे धीरे बच्चों की अपनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, अपने परिवार उनके हो जाते हैं, आपकी तरफ ध्यान थोड़ा थोड़ा उनका कम हो जाता है, अगली तरफ अपने बच्चों की तरफ ज्यादा हो जाता है, फिर आपको साथ की जरूरत होती है तो वो पूरा साथ मिलता नहीं है, तो आदमी को पश्चाताप होता है कि मैंने तीर्थ व्रत करने थे, मैंने कोई जग करना था, मैंने कोई भागवत कथा करवानी थी, या मैंने ये काम करना था, अब मैं मेरे बच्चे साथ दें तो मैं करूं, नहीं तो नहीं कर सकता, शरीर भी साथ नहीं है, अकेला कर नहीं सकता इस उम्र में, तो क्या है फिर। इसलिए कहा कि गृहस्थ में भैया जब आप ठीक थे, जब 25 से 50 आपके पास पैसा भी था, आपके पास बल भी था, ताकत भी थी, तो सबसे उत्तम आश्रम जो है अगर चारों आश्रमों में कोई है तो गृहस्थ आश्रम है 25 से 50 साल वाला। कहते हैं उसमें शुभ शुभ कार्य कर लेने चाहिए। यावत स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है आपका, यावत चरह दूर तक, जब तक बुढ़ापा अभी आपसे दूर है, तो तावत आत्मश्रेयः कार्य, तब तक अपने भले का काम कर लो खुद, बाद में हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए अगली पीढ़ी वाले हमारे लिए करेंगे, उम्मीद मत रखो, अपने आप खुद कर लो, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम कहा गया। फिर कहा महाराज अगर गृहस्थ आश्रम उत्तम है तो क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है भगवान का भजन करने के लिए, कथा करने या करवाने के लिए? तो सूत महाराज ने कहा नहीं भाई, कोई एमए पीएचडी कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी भी नहीं है। कि क्यों महाराज, कैसे जरूरी नहीं है? कि शबरी ने कहा वेद पढ़े, अरे भिलनी शबरी ने कोई वेद शास्त्र थोड़ी पढ़े हैं,
लेकिन क्या था कि उसको राम भगवान खुद मिलने गए। वैसे तो हम लोग जाते हैं भगवान से मिलने, लेकिन देखिए शबरी के पास भगवान स्वयं राम गए। क्यों? क्योंकि उसके मन की लगन जो इतनी थी, भावना जो थी कि राम एक ना एक दिन मेरे घर आएंगे आएंगे, है मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे, ये मन में पक्का विश्वास था उसको। और उसी विश्वास के सहारे वो बैठी रही, कई वर्षों बैठी रही, इंतजार करती रही, और एक ना एक दिन राम भगवान वहां पहुंचे। तो शबरी ने कहा वेद पढ़े और गोपी कब गई पाठशाला। अरे गोपियां अनपढ़ने पड़ते ग्वाल में, वो पाठशाला देखी नहीं कभी, उन्होंने स्कूल गई नहीं। और उन्होंने तो क्या जाना, कृष्ण भगवान स्वयं स्कूल नहीं गए, 11 साल की उम्र तक स्कूल नहीं देखा भगवान ने। कृष्ण भगवान 11 साल के बाद गए विद्यालय में, उज्जैन में, तब तक वो बाल गोपाल की लीलाएं करते रहे। और कहा कि गजराज ने कहा मंत्र पढ़े, कि गजराज जब तालाब में फंस गया था, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, वो भी वेद शास्त्र नहीं जानता था, लेकिन आत्मस्वर से कर्ण पुकार की थी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरा सारा परिवार छोड़ के चला गया है, अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा, आप आइए। तब भगवान, जब किसी कोई सहारा नहीं बचता है तो भगवान आए, कूद के आए, गजराज की रक्षा की, अपने भक्त के बुलावे पर आ गए। और फिर कहा कि कुबजा ने चंदन घिस डाला। कुबजा बेचारी कंस के दरबार में चंदन घिसने वाली थी, चंदन ले जाती थी, तो कहते और कोई जानती नहीं थी काम, लेकिन भगवान जब मथुरा में कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मिल गई, और भगवान ने व्यंग्य हासा मजाक किया उसके साथ, कुबजा के साथ, तो कुबजा ने मजाक में ही चंदन जो कटोरा ले जा रही थी वो कृष्ण के मुंह पे मल दिया मजाक में। और भगवान को मौका मिला, भगवान ने वो कुब्जा थी 3 जगह से शरीर टेढ़ा था, उसकी ठोड़ी को धक्का दिया था और सीधा बना दिया था, उसका कल्याण कर दिया था, सुंदरी बना दिया था। कहते हैं ये विश्वास और श्रद्धा चाहिए मनुष्य को, तो भगवान को आप जहां मर्जी प्रकट कर लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज इस संसार में जो मनुष्यों को दुख लगा रहता है, जो लोग परेशान रहते हैं, दुनिया भर के सारे लोग परेशान हैं, कोई एक नहीं, सारी दुनिया परेशान है। कहते हैं उस परेशानी से बचने का कोई उपाय, कि क्या परेशानी, कि महाराज जब कोई जन्म लेता है जीव, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे हम या आप हैं, सबसे बड़ी एक चिंता जो इंसान को जन्म लेने के बाद सताना शुरू कर देती है, क्या चिंता है जी बताइए। हाँ इंसान को क्या चिंता है सबसे बड़ी जन्म के बाद, कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ये चिंता है। चलो उंगली कट गई कोई बात नहीं, हाथ कट गया कोई बात नहीं, मैं पूरे प्राण ना निकल जाए, है मैं मर ना जाऊं, सांप सामने आ गया कहीं काट ना ले मैं मर जाऊंगा। आप भागते हैं कि नहीं भागते, मौत से भागते हैं, मौत का सामना नहीं करते, मौत से भागते हैं। ये डर इंसान को, आपको नहीं, ये चिमटी को भी है, चींटी को भी डर है कि कहीं मेरे को कोई पैर ऊपर ना रख दे, खा ना ले। सांप को भी आपसे डर है कि लाठी से मार ना दे। हर चीज को एक दूसरे का डर है, भय है, और डर है कि मैं मर ना जाऊं। तो मृत्यु का भय मनुष्य के मन में भी बहुत बड़ा है, बैठा हुआ है कि हम कहीं मर ना जाएं। जबकि ये भय झूठा है, मरना तो है ही है। यस्य जन्म तस्य मृत्यु ध्रुवा। पत्थर नहीं जन्म लेता है तो वो मरता भी नहीं है, पत्थर लेकर जो जन्म लेता है, चाहे पेड़ है, चाहे हम, चाहे आप, चाहे चींटी, चाहे हाथी, जिसने जन्म लिया उसने मरना जरूर है। तो कहा महाराज फिर उस मौत के डर से बचाने वाला कौन है। देखो मौत, मौत से नहीं बच सकता आदमी, लेकिन मौत के भय से बच सकता है, मौत के डर से बच सकता है। तो कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। कि देखिए ये मृत्यु रूपी सांपिन जो है ये मनुष्य को डराती रहती है कि आज मर जाएगा कल मर जाएगा, उससे हम डरते रहते हैं भागते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे उस मृत्यु के भय से बचने के लिए सुखदेव महाराज ने भागवत शास्त्र को सुनाया है। अगर हम भागवत शास्त्र को आत्मसात कर लें, भागवत में जो कथाएं आती हैं उनको आत्मसात कर लें, उन पर आचरण करें, तो कहते फिर ये मृत्यु का डर ही रहता है, रोग दुख सुख जो है इनका कोई हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो फिर कहने लगे महाराज
हम कैसे माने, सौन इत्यादि ऋषियों ने कहा हम कैसे माने कि भागवत में ये सब कुछ क्षमता है कि वो मृत्यु के भय से हमको बचा सकता है। तो एक पुरानी कथा सुनाने लगे वो सूत महाराज जी के, देखो एक बार क्या हुआ था कि एक बार जब राजा परीक्षित को शाप हो गया था कि तक्षक नाग तुझे सातवंद ना करके काट लेगा, राजा परीक्षित नदी के किनारे गंगा तट के किनारे सुख ताल के पास कथा सुनने के लिए बैठे, भागवत सुन रहे थे कि सात दिन मैं मुक्ति होनी है तो मैं सात दिन भागवत जो सुन लूं मरने से पहले। वो भागवत सुनने बैठ गए, इतने में देवताओं को पता चला, इंद्र इत्यादि वायु इत्यादि देवता स्वर्ग में है, उनको पता चला कि राजा परीक्षित मृत्यु से बचने के लिए भागवत की कथा सुन रहा है। देवताओं ने विचार विमर्श किया कि हमारे पास तो अमृत का घड़ा है और अमृत पी करके अमर हो जाते हैं, फिर मरते नहीं है, तो फालतू इतने सात दिन तक परीक्षित बैठा रहेगा, चलो चलते हैं अमृत का घड़ा ले चलते हैं। गंगा के तट पे देवता आ गए, अमृत का घड़ा लेकर के आ गए और कहा हे सुखदेव महाराज, आप परीक्षित राजा को कथा क्यों सुना रहे हैं, हटाइए भागवत को, हटा दीजिए, लीजिए हम अमृत पिलाते हैं इसको। तब जाकर के सुखदेव ने डांटा इन देवताओं को, हे देवताओं तुम बिना मतलब के बात नहीं करते हो, कोई ना कोई लालच बीच में तुम्हारा जरूर है। कि क्या लालच है? देवताओं ने कहा हम तो इसलिए आए हैं कि इसको अमर कर देंगे। कहते हाँ ठीक है, तुम भी अमृत पी करके अमर हो गए, लेकिन अमृत का असर कब तक है? जब तक तुम्हारे पास पुण्य है, और क्षीण है पुण्य, पुनः मृत्यु लोकम आविशंति ही, जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा उस पुण्य का, तो आपको फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, फिर पुण्य हो जाएंगे, देवताओं के बराबर पुण्य हो जाएंगे, फिर स्वर्ग को जाएंगे, लेकिन आप अमरत्व तो प्रदान कर सकते हैं, अभयत्व तो प्रदान नहीं कर सकते। अभयत्व का भय रहित तो नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं को तो भय बना रहता है, दैत्यों से डरते हैं, ये दैत्यों से डरते हैं और बार बार दैत्यों से इनकी लड़ाई होती रहती है। दैत्य और देवता वास्तव में भाई भाई है, सगे भाई है, एक ही पिता है ऋषि कश्यप, उसकी संतानें हैं, पत्नियां दो अलग अलग हैं, दिति और अदिति, तो दिति के दैत्य हो गए थे और अदिति के देवता हो गए थे, तो है तो भाई, और झगड़ा किस चीज का? प्रॉपर्टी का। एक बोलता है मैंने स्वर्ग का राज मैंने करना, दूसरा बोलता है हटपरे मैंने करना, तो इसीलिए देवताओं की वो दैत्यों से लड़ाई रहती है। तो कहते तुम डरते तो हो अब भी उनसे, अभय तो हो नहीं, तुम अमर तो हो कि तुम मर मरोगे नहीं, लेकिन कभी ना कभी पुण्य क्षीण हो जाएगा तो जरूर तुम भी उस स्वर्ग को छोड़ करके धरती पे आओगे। परंतु मैं सुखदेव कह रहा है कि मैं जिस भागवत को सुना रहा हूं, इस भागवत की कथा को सुन करके सातवें दिन ये परीक्षित मरेगा जरूर, लेकिन इसका शरीर मरेगा, इसकी आत्मा नहीं मरेगी, इसका केवल शरीर खत्म होगा और इसको मृत्यु का कोई डर ही नहीं रहेगा कि मौत आएगी मुझे, मैं मर जाऊंगा। कहते यही जीवन का सार है कि हम उस सार को समझ लें कि जो जन्म लेता है उसने मरना जरूर है, फिर मरने से डरना नहीं, हर आदमी का समय अपने आप निर्धारित है। कहते मेरा भागवत अभयत्व प्रदान करता है, अभय कर देगा, डर रहित कर देगा, और जब डर ही नहीं है किसी चीज का तो मन में शांति है, मजा है कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई, एक ना एक दिन तो जाना ही है, आज चला जाऊं कल चला जाऊं, भय है ही नहीं। तो इसलिए देवता वापिस चले गए कि नहीं भाई हमारी बात नहीं बनी, ब्रह्मा के पास रोए गिड़गिड़ाए देवता महाराज, वो सुखदेव ने हमारी नहीं सुनी, अमृत नहीं पिलाया, हम तो बोलते थे एक बूंद अमृत की परीक्षित को पिला दो, कथा क्यों सुना रही हो, ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, सांप काटेगा तो भी नहीं मरेगा, लेकिन नहीं पिलाया। ब्रह्मा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सात दिन की बात है, इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि परीक्षित का क्या रिजल्ट निकलता है, कि परीक्षित तो बचता है कि नहीं, या परीक्षित को मुक्ति मिलती है कि नर्क मिलता है, क्या मिलता है उसको। सात दिन हुए और परीक्षित को जब कथा वो संपूर्ण हो गई तो परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा और परीक्षित को हुई सदगति, परीक्षित को हुई मुक्ति। तो उस मुक्ति को देख करके ये देवता भी हैरान हो गए। कहते हैं जब देवता भी हैरान हो गए तो ब्रह्मा ने विचार किया था कि मैं भागवत की पावर को देखना चाहता हूं कि भागवत में कितनी शक्ति है, तो एक तरफ भागवत को रखा। कहते जब भागवत
सारे ग्रंथ थे हमारे पास, वेद है, उपनिषद है, पुराण और भी थे, ये लास्ट पुराण है भागवत। इससे पहले व्यास जी ने 17 पुराण और लिख दिए थे, जैसे कोई वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, ऐसे पुराण लिख दिए थे, शिव पुराण है, ऐसे बहुत से पुराण लिख दिए थे 17। लेकिन फिर भी व्यास के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो 18वां लिख दिया। तो कहते ऐसी कौन सी खासियत है, ब्रह्मा ने विचार किया तो सारे वापी ग्रंथ एक पगड़े में डाले तराजू के और एक तरफ भागवत जी को डाला, तो ब्रह्मा ने तोला इसको स्वर्ग में। तो जग के सब लाभ पराजित है, सतसंगति के बांटों से स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सतसंगति के बांटों से। तो तोला तो भागवत का पगड़ा भारी हो गया, अकेले एक भागवत का पगड़ा भारी हो गया, बाकी वेद शास्त्र जो थे वो उथले हो गए। तब जाकर के ब्रह्मा ने भी नमस्कार किया कि ये भागवत की पुस्तक नहीं, ये साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण भगवान ही इसमें विराजित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। कहते हैं कि भागवत की कथा जो है ये एक बार नहीं किसी ने सुनी, दो बार नहीं, ये क्रम से ना जाने कब से चली है। शुरू में, सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी ने कहते हैं इस कथा को नारद को सुनाया था, और नारद जी ने व्यास को सुनाया, लेकिन तब पूरी कथा नहीं व्यास ने सुनाई थी, 4 श्लोक सुनाए थे जो भागवत का मूल माना जाता है, और 4 श्लोकों का ही व्यास जी बड़े विद्वान है, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान है, तो उन्होंने क्या किया, केवल 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया, व्याख्या कर दी उनकी, तो ये भागवत बन गया। ये भागवत जो है साक्षात कृष्ण भगवान की शब्दमय मूर्ति कहा जाता है। नारद जी एक बार विचरण करते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे, और नारद जी का क्या था कि वीणा को बजाते हुए भगवान के नाम का जप करते हुए ये चलते रहते थे, मुख से कुछ न कुछ गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, और पहुंच गए जाकर के बद्रिकाश्रम में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण सोए हुए थे उसके, वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, वो लग रहा था बूढ़े हो गए। जिस आदमी का नियम ठीक नहीं होता है ना, जिस बच्चे का नियम ठीक नहीं है, जीने का तरीका ठीक नहीं है जिसके पास, वो अब भी देखें, कई बार आप गांव में भी देखेंगे कि माता पिता जरा नौजवान लगते हैं लेकिन बच्चे वहां बूढ़े नजर आते हैं कि ये तो बराबरी का है, भाई होगा कि बाप होगा, कैसे बराबर है, क्योंकि बच्चों की आदतें खराब हो गई, नियम नहीं है, सेहत खराब हो गई। तो जिनके लोगों के नियम ठीक है वो बाप है, बाप ही नजर आएगा, बेटा बेटा ही नजर आएगा, लेकिन जिनके नियम खराब हो गए अगली पीढ़ी के, तो बाप छोटा नजर आएगा और पुत्र बड़ा नजर आएगा, बूढ़ा नजर आएगा। ऐसा ही हाल उस स्त्री की गोदी में सोए हुए दो उन बालकों का नजर आया नारद को। नारद ने कहा मैं जाऊं पूछूं कि दुख का कारण क्या है, रो रही है, कुछ औरतें और भी बैठी थी वहां, वो पंखा झेल रही है, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा पूछ रही थी। तो नारद ने विचार किया कि देखिए जब तक कोई दूसरा आदमी मुझे बुलाए ना तो वहां नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात कि औरतों का मसला है, मैं क्यों जाऊं,
हाँ कोई बुलाएगा तो जाऊं। और बात सही भी है, कोई आदमी दो चार आपस में बात कर रहे हो तो उसमें बीच में नहीं जाना चाहिए हमको, भाई ठीक है आपका अपना मसला है। हाँ कोई बुलाता है कि आइए जी आप हमारी मदद करिए तो जाना चाहिए, और बीच में जाओगे तो हो सकता है आपको कोई बेइज्जत कर दे, भाई आपको किसने बुलाया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो नारद ने ऐसा कहा कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। नारद जी बगल से निकलने लगे, इतने में उस स्त्री ने देख लिया कि एक संत महात्मा इधर से जा रहा है, आवाज लगा दी कि संत जब नजर आ जाए, देखिए असली संत जीवन में कभी आपको नजर आ जाए तो समझिए कि हमारे दुखों का निवारण होने वाला है। संतों का दर्शन करना भी पुण्यदायक होता है, संतों की सेवा करना भी पुण्यदायक होती है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत सबनी की करनी, इन संतों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है, ये सबका हित करने वाले होते हैं। नारद को पूछा और तुमने क्या देखा, कि जब उस स्त्री ने आवाज लगा दी तो मैं सामने चला गया, प्रणाम किया देवी को, देवी आप कौन हो? तब देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं हूं भक्ति। कि तू कहां रहती है, पैदा कहां हुई? तो भक्ति ने अपना परिचय दिया नारद को। देखिए जब कभी आपसे कोई बात करता है या आप किसी से बात करते हैं तो आनंद तभी आता है उस बातचीत का जब उसका परिचय कर लो आपस में, कि भाई आप कौन हो और मैं कौन हूं, तो फिर बात आगे चलती है। अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है, अगर आप अपरिचित जगह पे गए हैं और जाके सीधा आप अपना काम बताओ ये है ये है ये है तो वो चीज जचती नहीं है। कई बार हमने देखा आज का वो मोबाइल आ गया ना दूरभाष, तो फोन करते हैं लोग, हाँ जी नमस्ते जी, ये मैं बोल रहा था जी, ये मैं बोल रहा था जी, ये काम था, मैं कौन है, नाम तो लो, है ना, कोई नाम तो लो, ऐसे क्या पता, मैं तो कई होती हूँ, मैं तो बकरा भी होता है, मैं करता है, ठीक है, तो मैं बोल रहा था जी, तो परिचय चाहिए। तो नारद ने परिचय मांगा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया भक्ति ने, के भक्ति नाम मेरा है, के उत्पन्ना द्राविडेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, मेरा नाम भक्ति है और मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी, द्रविड़ दक्षिण भारत में है, भक्ति वहां से चली और उत्तरांचल की तरफ आई, और उसके बाद कहा कर्नाटक में चलते चलते आते पहुंची तो थोड़ा मेरे को वृद्धि मिली और ज्यादा लोगों ने भक्ति को अपनाया, और उसके बाद महाराष्ट्र में पहुंच करके कुछ बुढ़ापा आ गया, गुर्जर गुजरात में आकर के बिल्कुल जीर्ण हो गई, किसी ने मेरी बात पूछना बंद कर दी। तो ये तेरे दो पुत्र ये बेहोश क्यों पड़े हैं, कि इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, कि जब भक्ति की कदर नहीं रही जमाने में तो ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछ रहा है, इसलिए ये बेहोश होकर के पड़े हैं, इनकी कोई बात नहीं पूछता। अब मतलब क्या था ये, कि जब कलयुग का आना होता है, कलयुग हुआ स्टार्ट हुआ तो लोगों ने भक्ति भाव छोड़ दिया और ज्ञान वैराग्य की बातें छोड़ दी और पाप के कार्य में लग गए लोग। तो जब पाप के कार्य में लग गए, जो चीज भक्ति है ज्ञान है वैराग्य वो पड़ी की पड़ी रह गई साइड में। मान लो हमारे पास एक चाकू है या एक दराटी है, हमने रखी है रखी है रखी है सालों साल हो गए, अब ये बताओ कि 4 साल 10 साल बाद हम उस चीज को उठाएं, कुछ चीज काटने लगे वो काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जंग लग गया होगा। लेकिन उसी चीज को आप हर रोज यूज कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो कभी भी उठाओ तो वो तिक्खी मिलेगी पैनी मिलेगी काम करेगी। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये हाल था, ना कोई भक्ति कर रहा था ना भजन कर रहा था, सब कलयुग की बातों में समाहित हो गए थे लोग, ये परेशानी थी उस भक्ति की। महाराज हे संत महात्मा आप कोई उपाय करिए, हमारे इन दो पुत्रों को जरा होश में लाइए। पानी छिड़का, गायत्री मंत्र पढ़ा, कोई और भजन वाणी की नारद ने, तो थोड़ी देर के लिए इनको होश आए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बेहोश होकर गिर गए। अब नारद ने कहा हे देवी मैं इसके ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम की तरफ भ्रमण करने के लिए, मैं चला अपने रास्ते। लेकिन इतने में आकाशवाणी एक हुई नारद को कि सत्कर्मम करो, अगर तुम चाहते हो नारद इनका भला होवे तो तुम सत्कर्म करो इनके लिए। नारद ने कहा सत्कर्म क्या होता है, तो चला सोचता सत्कर्म 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 बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहा है सोचते, लेकिन नारद ने सत्कर्म की रटन छोड़ी नहीं,
लेकिन आपने वो एक सिख चिल्ली की कथा जरूर सुनी होगी, है ना। किसी को वो जा रहा था रास्ते में, तो उसको किसी ने कहा था, ससुराल जा रहा था, कि वहां जाकर के खिचड़ी मांगना, खिचड़ी खाने को मिलेगी तेरे को, तो खाने के लिए सास से खिचड़ी मांग लेना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो खिचड़ी 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 रास्ते में बोलता बोलता चला, तो आगे एक खेत आया, उसमें चिड़िया दाना चुग रही थी, तो भूल गया, बोले खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी, है वो खा चिड़ी हो गया है। अब लोगों ने मारा उसको, बोला हम तो चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, तू बोल रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी। तो ऐसे चलता चलते नारद नहीं भूले, उन्होंने सत्कर्म सत्कर्म चलते चलते आगे गए। किसको पूछूं कि सत्कर्म क्या है, बड़े बड़े महात्मा मिले रास्ते में, महाराज प्रणाम हो, मैं नारद हो, ये बताओ सत्कर्म क्या होता है। इन महात्माओं ने सोचा कि इतना बड़ा नारद योगी हमारी परीक्षा ले रहा है, ये मजाक कर रहा है हमसे, इसको नहीं मालूम क्या सत्कर्म का। उनको तो मालूम था, वो बताना नहीं चाह रहे थे कि ये कहीं टेस्ट ना ले रहा हो, परीक्षा ना ले रहा हो, तो नहीं बताया। कहा भाई हम कोई पता नहीं, हमने तो व्रत रखा है, मौन व्रत रखा है, हम बात नहीं करेंगे। ऐसे कहा तू चल आगे चले, गां चला देगा, चलिए चलिए। चलते चलते बद्रिक आश्रम में पहुंचे, तब सनकस नंदन मिले। कहा महाराज उस सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया, वो सत्कर्म होता क्या है। बोले कमाल की बात नारद है, सत्कर्म का तुझे नहीं पता, सत्कर्म भागवत की कथा के से बढ़कर के और कोई सत्कर्म नहीं है, सत्संग से बढ़कर के और कोई सत्कर्म नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तब नारद ने कहा महाराज वो भागवत कौन सुनाएगा, कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए अगर तुम भागवत की कथा रचा दो तो भक्ति भी जागृत हो जाएगी उस कथा में, और ज्ञान और वैराग्य भी पुनर् जागृत हो जाएंगे। यानी कथाओं में भक्ति भावना भी हो जाती है, मन भी झूमता है, तन भी झूमता है, और कुछ ज्ञान की बातें कुछ वैराग्य की बातें भी उसमें समझ में आती है। तो ये उपाय बताया महाराज, इस उपाय को करेगा कौन, कौन सुनाएगा कथा। तब सनक सनंदन इत्यादि उन्होंने कहा हम सुनाएंगे, उस कथा को सुनाने के लिए हम आएंगे। नारद ने कहा कहां पे आओगे, कि तुम ऐसा करो नारद, जाओ गंगा के तट पर आनंद घाट जगह है, वहां वटवृक्ष का पेड़ रेत नीचे गद्दे की तरह बिछा हुआ, पेड़ की छाया, ना कोई टेंट लगाने की जरूरत, ना गद्दे बिछाने की जरूरत, वहां तुम कथा का आयोजन करवाओ, सबको न्योता दे दो, सबको बुलाओ। नारद जी आ गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पता चल गया कि कथा होने वाली है आनंद घाट में, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आए, और उधर से नारद ने सबको न्योता दिया। अब देखिए ये कथा बद्रिकाश्रम में भी हो सकती थी, वो सनकादि बोल देते सीधा कि महाराज आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सीधा बद्रिकाश्रम में बुला लो, यही सुना देते हैं कथा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि केवल बद्रिकाश्रम में कुछ लोग ही पहुंच पाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य पहुंचेंगे, नारद होगा, कुछ थोड़े से संत महात्मा और होंगे। तो उन्होंने प्लेन जगह को चुना, हरिद्वार के नजदीक की जगह को चुना, के वृंदावन की तरफ से जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य ने आना था वो भी आ सके, और पहाड़ों के लोग भी ऋषिकेश बद्रिकाश्रम की तरफ से उतर करके यहां आकर के पहुंच जाए, तो कॉमन जगह को चुना। इसीलिए अब भी भागवत जो होती है उसके लिए जगह चाहिए होती है, या तो किसी का आंगन बहुत बड़ा हो, या ऐसी कोई कॉमन जगह हो। अमरेटा में ये भागवत के स्थगित होने का एक कारण हमारे पास ये भी बहुत बड़ा रहा है 3-4 साल से, कि हमारे पास कोई कॉमन ऐसी जगह ही नहीं थी। जो जगह थी हमारे सोनी साहब की, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन का काम कुछ होने जा रहा था, तो इसलिए नहीं हो पाया, तो ये जगह स्थान का चयन नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर सनकादि ने उनको स्थान बता दिया कि बद्रिक आश्रम में कथा नहीं करेंगे, हम करेंगे कथा उस कॉमन जगह पे आकर के आनंद घाट में। अब आनंद घाट में सब पहुंचे और कथा प्रारंभ हो गई। अब पहुंचे हैं तो थक गए होंगे भैया वो लोग, है ना, इतने दूर दूर से आए हैं, थक गए होंगे, किसी ने पानी पिया होगा, किसी ने चाय पी होगी, है ना, तो ऐसा सब कुछ थकावट को दूर करने के लिए हो जाता है। आइए चाय के लिए आपको भी विश्राम है 5 मिनट के लिए, फिर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। आइए कथा फिर से प्रारंभ करते हैं। हरि शरणम् हरि शरणम्
आनंद घाट पे आयोजन करवा दिया। भागवत ही सत्कर्म है ये सिद्ध हो गया। और कथा करने के लिए कौन आए वहां? सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र आसन पर विराजे। कथा प्रारंभ हो गई, दुनिया भर के लोग आने लगे, जिसको न्योता नहीं वो भी। और हमारे गांव में भी यही होना चाहिए कि भागवत की कथा के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे न्योता नहीं मिला है। ये को किसी के घर का काम तो होता नहीं है कि वो बुलाए कि मैं मेरे घर में आना। ये भगवान का दरबार है। जैसे मंदिर में आप किसी को पूछे थोड़े जाते कि मैंने मंदिर में जाना है, जब इच्छा हुई तो आप चले गए। क्योंकि तीन चार जगह ऐसी बताई गई है, गुरु वैद्य और ज्योतिषी और माता पिता के घर, चार स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। गुरु के घर में बिना बुलाए चले जाओ। मान लो आपने जो जो गुरु कोई रखा है, धारण कर रखा है, वहां आपको लगा कि कुछ फंक्शन चल रहा है लेकिन आपको स्पेशल इन्विटेशन नहीं आया है, तो आप जाइए, बिना बुलाइए जाइए, पहुंच के बस कार्यक्रम में शामिल होइए, कोई नहीं रोकता। और इसी प्रकार वैद्य के घर में, डॉक्टर के घर में रात को 12 बजे आपको जरूरत पड़ जाए तो कौन रोकेगा? डॉक्टर गालियां थोड़ी देगा आपको कि क्यों आ गए मेरे पास रात को। उठाइए डॉक्टर को, नॉक करिए डोर, उठेगा वो, आपके परेशानी को समझेगा। इसी प्रकार माता पिता का घर, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए माँ बाप का घर के दरवाजे 24 घंटे खुले, जब मर्जी ससुराल से अपने मायके में आ जाए, बिना बुलाए बिना सूचना दिए आ जाए तो भी उनका स्वागत होता है। तो ये कुछ स्थान ऐसे, और देवालय मंदिर यहाँ भी बिना बुलाए, जहां कोई कथा सत्संग हो रही है बिना बुलाए पहुंचिए, बुलावे की जरूरत नहीं है। कहां कहीं पर भंडारा हो रहा है वहां भी आप, चाहे आपको नहीं भी बुलाया है, कार्ड नहीं दिया है, आप आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसे कुछ स्थान ये होते हैं। तो वहां पर जो कथा हो रही थी, नारद जिसके संयोजक थे और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने वहां पर आना था, तो हजारों लोग उस नदी के, गंगा के तट पर कथा सुनने के लिए पधारे। कुछ लोगों को तो नारद ने सूचना दी थी लेकिन कईयों को नहीं दी थी। तो ये नहीं कि जिनको सूचना नहीं वो नहीं पधारे, नेक कार्य अच्छा कार्य जहां हो रहा हो वहां पहुंचना चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी पहुंचे, ये कथा में आए तो सब लोग इधर उधर देखने लगे, ये कौन आ गई कौन आ गई। अपरिचित थी ना उस जगह पर, वो आनंद घाट में जहां कथा हो रही थी, ये वृंदावन से आई भक्ति, तो सब लोग पीछे मुड़ करके देखने लगे। तो पीछे मुड़ के भाई ये कथा में जो आना होता है ना, ये आप बैठ गए ना, अब आप सोचो कि दुनिया पीछे जो मर्जी बैठती जाए, आप ना इधर देखने की जरूरत होती है ना इधर की, आपका ध्यान जो है वो कथा की तरफ होना चाहिए। और दूसरा जो आ रहा है आदमी जो कथा में बैठता है साथ में आकर के, उसको भी ये चाहिए कि वो दूसरे आदमी को तंग ना करके बोबो हटे रख दिए हो, वो जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाइए, जहां स्थान मिलता है वहां बैठ जाइए। और आपके आने का आपके पड़ोसी को पता ना चले, पड़ोसी को मतलब जो आपके बगल में यहाँ बैठा है, पड़ोसियों तो लेके के आना चाहोगी ना, यानी चुप चली गए बस अपू चली गए पड़ोसियों निकल आए, उनको तो साथ में लाइए। लेकिन यहाँ आकर के अगर कथा शुरू हो गई है, वैसे नहीं शुरू हुई है तब तो आप बात करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा प्रारंभ जब हो गई होती है तो आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को पता ना चले कि मेरे बगल में कौन बैठ गया, आ गया तंग मैं होकर के बैठी है, तो कथा का आनंद आता है। और जब कथा के बीच में बैठना है तो ये एक बात और सोचें कि अगर मैं भक्ति होती तो मैं क्या करती, अगर मैं ज्ञान वैराग्य होते तो हम क्या करते, ये विचार अपने ऊपर ढालना चाहिए। या मैं राजा परीक्षित होता तो मैं क्या काम करता जो राजा परीक्षित ने किया, वो क्या मुझे भी करना चाहिए था, तब उसको जीवन में आत्मसात अगर हम करते हैं कथाओं को, तो सुधार होता है, अपना आनंद भी आता है, अपने जीवन का सुधार भी होता है। अन्यथा आए ताली बजा के बाजी वाह पंडित जी ने बड़े अच्छे भजन गाए आज, हाँ चले गए, वो उसका फायदा नहीं। आत्मसात कुछ सीख, मतलब कहने का भाव कि कुछ हम ग्रहण करके जाए। तो भक्ति आ गई वहां पर, और भक्ति ने सीधे सनकादि को पूछा, महाराज मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, क्योंकि पंडाल फुल था, मैं कहां बैठूं महाराज। अब देखिए सनकादि ने भक्ति को क्या कहा, हे भक्ति इन सब भक्तों का दिल खाली है, क्योंकि उनमें भक्ति अभी नहीं थी,
सब कलयुग का प्रभाव था, भक्ति थी नहीं, और भक्ति आ गई बाहर से, कहां बैठे? तो कहा कि इन सब भक्तों का दिल खाली है, सभी भक्तों के हृदय में आसन लगा लो, डेरा लगा लो, हे भक्ति तेरा स्थान इन भक्तों के हृदय में हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हम भी यहीं से यही कामना करें कि इस कथा पंडाल में आप सब लोग जो बैठे हैं, हम सबके हृदय में भक्ति माता आकर के विराजित हो जाए। कथा प्रारंभ हो गई, 7 दिन कथा चली, और ज्ञान की बातें भी हुई, वैराग्य की बातें भी हुई, और भक्ति में सत्संग भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, भक्ति नौजवान हो गई, जागृत हो गई फिर से, और ज्ञान और वैराग्य भी उठ खड़े हुए, इनको भी ताकत मिल गई। यानी भक्ति से माता है आखिर, जब भक्ति बढ़ी, भक्ति की पूछताछ जब शुरू हो गई समाज में, तो क्या हुआ कि उसके पुत्रों को भी बल मिला, वो भी उठ खड़े हुए। जब माँ ही रुगण हो गई, माँ ही बीमार हो गई, माँ को कोई पूछ नहीं रहा, भक्ति को कोई नहीं पूछ रहा था, दरकिनार लोगों ने भक्ति को कर दिया था, पाप मन में पड़ा था, मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, तो जाकर के कैसे फिर पुत्रों का कल्याण होगा? क्योंकि नारद के मन को यही तो बड़ी दुख था कि लोगों के मन से भक्ति भावना हट गई, और कलयुग के प्रभाव में आकर के ये लोग जो है अपने आचरण को भूल बैठे। सनकादि को यही बात सुनाई थी जाकर के, महाराज आप जो पूछ रहे हैं कि नारद तो परेशान क्यों है, मेरे पास अपनी कोई परेशानी का कारण नहीं, लेकिन लोगों को दुखी जो देखा तो इसलिए मैं उपाय पूछने के लिए आपके पास आया कि लोगों के दुख को निवारण करने के लिए कोई उपाय क्या है। तो नारद ने जो यहाँ पर देखा था उसमें सुनाता है जाकर के, जब सनकादि को उसके बाद वो कथा करवाई उसने, तो क्या सुनाया नारद ने, मातु पिता बाल कहीं बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। महाराज ये बड़ा दुख का विषय हो गया है कि माँ बाप आजकल अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो केवल उधर भरण की शिक्षा दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इतना पढ़ जाए, ऐसा पढ़ जाए, ऐसी ट्रेनिंग कर ले कि बहुत अच्छे पैसे कमा सके, उधर भरे सोई धर्म, पेट भरने के लिए शिक्षा दी जा रही है। और उसके बाद कहा ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है कि संस्कार कहां से आए, माता पिता ये शिक्षा नहीं दे रहे कि तेरे को माँ बाप की आज्ञा भी माननी चाहिए, तेरे को धर्म कर्म का भी काम करना चाहिए, और सचमुच में बच्चे करते भी नहीं है, क्योंकि जब पूजा पाठ का टाइम होता है शाम को तो बच्चे कहां होते हैं हमारे, ध्यान दें सभी सभी के बच्चे हैं, जब संध्या वंदन का समय होता है शाम के 7 और 8 बजे का बीच का टाइम होता है, तो नोट करें आपके बच्चे उस समय कहां हैं, वो पूजा पाठ में है नहीं, वो संध्या वंदन का समय होता है, पूजा पाठ का समय होता है तो बच्चे हमारे पास तब साथ में नहीं होते, वो बच्चे सड़क पे घूम रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, ना जाने वो क्या कर रहे होते हैं, क्या खा पी रहे होते हैं, तो क्योंकि हमने उनको रोका नहीं टोका नहीं, हमने ये नहीं कहा कि भैया ये संध्या पूजन का समय है, इस समय परिवार के साथ बैठिए, और साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को केवल अकेले को कहा कि तू धूप जला दे, ज्योत जला दे, वो भी ऐसे ऐसे जलाएगा और हट के फिर मोबाइल देखेगा, साथ में बैठाओ उसको, संस्कार डालने ढालना है तो क्या करना पड़ेगा, साथ खुद भी बैठो, आरती बच्चों के साथ गाओ, पूरा परिवार गाए तो और अच्छा होता है, तब संस्कार धीरे धीरे पनपते हैं, ये बात रही नहीं। तो नारद ने कहा कि ऐसी शिक्षा माँ बाप बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो ट्रेनिंग इतनी बढ़िया कर ले, तू पायलट बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, वही प्रेशर है उसके ऊपर, लेकिन कभी और सीधी बात ही कभी ये तो कोई बोलता ही नहीं है कि तू बाबा बन जा, महात्मा बन जा। संस्कार कहां से आते हैं, आश्रमों से आते हैं, ऋषि मुनियों से आते हैं, कोई कोई माता पिता बोलेगा जी अपने पुत्र को कि बाबा बन जा, कोई नहीं बोलेगा, चलो बाबा मत बनाओ, लेकिन कम से कम साथ बिठाओ, अरे आरती भजन संध्या पूजा तो सिखाओ उसको, बहुत से बच्चों को तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं होगा, ठीक है, और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, कैसे बोलना है, कब बोलना है, बिल्कुल पता नहीं। तो कहने का मतलब कमी बच्चों की नहीं है, कमी हम लोगों की है कि हमने उनको बचपन में ढाला ही नहीं सांचे में। अब नारद जी बोल रहे हैं कि वो लोग रो रहे हैं वहां के जहां से नारद जी घूम के गए, वो रो रहे थे कि माँ बाप ने शिक्षा ऐसी दी, यानी अब
ध्यान से सुने अगर, तो सारा रिजल्ट कहाँ निकला? शिक्षा पर, एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर। कि ट्रेनिंग का ट्रैक जो था वो हमने बदला बच्चों का, कि इधर नहीं जाना, आपने उधर जाना, ठीक है उधर भी जाओ, लेकिन थोड़ा सा अपने संस्कारों के बारे में भी, क्योंकि संस्कारों का स्कूल कोई नहीं है, संस्कार स्कूल में नहीं दिए जाते, वहां तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग, पढ़ाई पढ़ाई, पैसा पैसा कमाने का तरीका। जो संस्कार आते हैं वो आपके अपने आचरण से आते हैं, संस्कार किताबों से नहीं आते, संस्कार समाज के आचरण से, माता पिता के आचरण से। अगर मैं बीड़ी पीता हूं, मेरे में संस्कार गलत है, तो मेरा बच्चा भी उस संस्कार में जाएगा। तो माता पिता को अपना संस्कार अच्छा रखना पड़ता है पहले। बाप सुरापान करता है, मदिरापान करता है, बच्चों के सामने करता है, या मारपीट करता है, गालियां देता है, बच्चे भी हमारे ही हैं, तो बच्चे भी तो वही संस्कार सीखेंगे। ये संस्कार का एक शुरुआत है, यहां से बच्चे सीखते हैं। तो अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, बढ़िया रखिए, वो रख नहीं पा रहे हम, इसलिए नारद को ये परेशानी हुई देख करके कि माता पिता ट्रेनिंग गलत दे रहे हैं। उधर भरे सोई धर्म सिखा भी कि पेट भरना ही धर्म है, माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, अपने पेट के प्रति ही कर्तव्य जो है वो केवल रह गया। और उसके बाद कहा नारी विवस नर सकल गोसाई, उसके बाद कहा तरुणी प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक, कि जमाने में ये हाल हो गया, ना अपने भाइयों की कोई सुन रहा है, ना अपने माता पिता की सलाह ले रहा है, ना चाचा ताया की सलाह ले रहा है। जब से शादी हो गई, बुरा मत मानना, बात सच्ची है, कड़वी है। ससुरारी प्यारी लगी जब सो, अरि रूप कुटुंबी भये तब सो। जब से ससुर का घर प्यारा लगने लगा जुआई को, तो अपने परिवार के लोग अगर कोई सलाह दें तो ऐसा लगता है शत्रु है मेरे, और सास और ससुर अगर सलाह दें तो मैंने ये खराग ला दे, ये ठीक बोला दे। कोई काम करना है अगर उस लड़के ने अपने घर में, कोई मकान बनाना है, कोई और काम करना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ना अपने माता पिता की सलाह लेता, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, ना भाइयों की ले रहा है, ना चाचा ताया की ले रहा है। सियाल को बुद्धिदायक, तो पत्नी कहती है मेरा भाऊ बड़ा समझदार है, साला तेरा साले जो लगना से फाइनल ए हुई गल बोले है। सियाल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला कौन हो गया? साला। और अपना भाई जो घर में बैठा है, इस पता नहीं क्या गलाए जाना, माता पिता से भी चोरी, और वहां पर जाकर के सारी पर्दा खोल देना घर का भी भेद, और जो सलाह दे दे ससुराल वाले, अच्छी बात है, जवाई को सलाह देना बुरी बात नहीं है, लेकिन जवाई को भी चाहिए कि ससुराल की सलाह लेने से पहले अपने माता पिता की सलाह भी तो ले ले, उनके उनके विचार के अनुसार कार्य करे। तो नारद को ये बात भी बुरी लगी कि भाई ये जमाना हो गया है। और उसके बाद और क्या क्या है, कन्याया विकिरणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। महाराज लोग कन्याओं को बेच करके धन कमा रहे हैं, ये उस जमाने की बात है, अब तो ऐसे नहीं है, लेकिन कन्याओं का विक्रय होता था। शादी करनी है किसी कन्या की तो पैसे की डिमांड होती थी, इतने हजार दे दो तो कन्या देंगे आपके घर को, तो ये उस जमाने की बात। और उसके बाद कहा लोभात, कि लोभ लालच इतना बढ़ गया हम हमारे घरों में कि अशांति फैल गई उस लोभ लालच के कारण। लाख से भी संतुष्टि नहीं, करोड़ से भी संतुष्टि नहीं, किसी भी तरीके से संतुष्ट है ही नहीं, आदमी है ही नहीं है। लेकिन संतुष्ट कब होता है? जब कभी कोई रोग लग गया, मैं नहीं नहीं मैं शरीर ठीक चाहिंदा, ये लखा करोड़ क्या करने, तब संतुष्ट हो गया। क्या करने लखा करोड़, वो पहले सोच लेता भाई, क्योंकि हम बीमार क्यों हुए, हम अस्वस्थ क्यों हुए, हम अशांत क्यों हुए, कमा 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 के दौड़े 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 दौड़े, ये कर दो एक काम, एक समय में 10 काम कर दो, परेशान होता है आदमी और शरीर को बीमारी लगा लेता है। जब बीमारी लग गई फिर बैठ गया, फिर बोला मैं नहीं छोड़ो परे, कुछ भी नहीं था, अब कुछ भी नहीं था तो पहले क्यों दौड़ा हुआ था, तो अब बोला ये चिंतन अगर पहले हो जाता कि उतना ही चलो जितने मेरे घुटने चल सकते हैं, जितने मेरे में ताकत है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौ, चादर उतनी जितनी होवे बस उतने पैर पसारो। अब हम देखते हैं किसी से दूसरे अमीर आदमी को, वो करोड़पति है, लखपति है, हवाई जहाज में यात्रा करता है, उसका अपना हवाई जहाज है मान लीजिए, तो उसका मुकाबला दूसरे लोग करना चाहते हैं, दूसरे लोग करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और परेशानी रहती है, उतना मुकाबला हो नहीं पाता। तो भगवान ने जिसको